घन जंगल में रिंकी और उसकी बेटी टूनी रहती थी। टूनी बहुत गरीब थी। टूनी की मम्मी रिंकी लोगों के घर पे काम करके किसी तरह गुजारा करते थे। एक दिन टूनी अचानक उसकी मम्मी रिंकी को बुला के कहती है, मम्मी मम्मी मेरी सब दोस्त स्कूल जाती है, मैं भी स्कूल जाऊंगी मम्मी। ठीक है टूनी, मैं तुझे कल स्कूल में भर्ती करवा दूंगी। फिर टूनी स्कूल में भर्ती हो जाती है। टूनी के साथ ही उस स्कूल के हेडमास्टर की बेटी मीठी तोता भी पढ़ती थी। मीठी तोता हर वक्त टूनी की मजाक उड़ाती थी, टूनी को नीचा दिखाती थी। एक दिन टूनी स्कूल के ग्राउंड पे सबके साथ खेलने जाती है। तब मीठी तोता टूनी को बुला के कहती है, टूनी तू तो काम करने वाली की बेटी है, तेरे साथ हम लोग नहीं खेलेंगे, तू जा यहाँ से। तब टूनी उदास होके वहाँ से चली जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन स्कूल में एक नया टीचर आता है। वो टीचर क्लास के सभी बच्चों को कुछ सवाल करते हैं। टूनी सभी सवालों के सही सही जवाब देती है। ये देख के वो टीचर बहुत खुश हो जाता है। वाह टूनी, तुम तो बहुत ब्रिलियंट हो, तुमने सही सवालों का सही जवाब दिया है। तब वो टीचर खुश होके टूनी को एक पेन देता है। ये देख के मीठी तोता को बहुत जलन होती है। ये टूनी को कुछ ज्यादा हो रहा है, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर एक दिन मीठी तोता जानबूझ के अपना होमवर्क का बुक फाड़ देती है। कुछ देर बाद टीचर क्लास में आता है। टीचर क्लास में सभी को होमवर्क जमा करने को कहते हैं। बच्चों सभी अपना अपना होमवर्क जमा करो। तब टीचर देखता है मीठी तोता रो रही है। क्या हुआ मीठी, तुम रो क्यों रही हो? सर, टूनी ने मेरी होमवर्क का बुक फाड़ दिया है। मीठी हेडमास्टर की बेटी थी, इसलिए बाकी सारे स्टूडेंट मीठी की बात को सच बताता है। तब सर बहुत गुस्सा हो जाता है और टूनी को कहता है, टूनी मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छा समझा था और तुमने ऐसे मीठी की नोटबुक फाड़ दिया। फिर सर हेडमास्टर को सारी बात बता देते हैं और हेडमास्टर टूनी को स्कूल से निकल देता है। टूनी भी रोते रोते घर चली जाती है और उसकी मम्मी को सारी बात बताती है। टूनी की सारी बात सुन के उसकी मम्मी रिंकी कहती है, कुछ नहीं होगा बेटी, सब सही हो जाएगा, हम गरीब और वो लोग अमीर है, आज अगर तेरे पापा जिंदा होते तो ऐसा नहीं होता, मत रो बेटी, ये हमारा किस्मत है। इसके बाद से सब स्टूडेंट स्कूल जाते हैं और टूनी खिड़की के बैठ के उदास होके सबको जाते हुए देखती थी। टूनी को इस हालत में देख के लूसी को बहुत दुख होता है। तब लूसी कबूतर सोचती है वो सब सच सच हेड टीचर को बता देगी और उसी तरह वो स्कूल जाके हेड टीचर को सारी बात बता देती है। फिर हेड सर उसकी बेटी मीठी तोता को सजा देते हैं और टूनी को स्कूल में बुलाते हैं। मुझे माफ कर दो टूनी, मैं सब ना जान के ही तुम्हें स्कूल से निकल दिया था। नहीं सर, आपका कोई दोष नहीं है, आप मेरे टीचर है, माता पिता के समान है, आप उससे माफी क्यों मांग रहे हैं? फिर मीठी तोता भी टूनी के पास माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे टूनी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है तेरे साथ। ठीक है मीठी, तूने जो तेरी गलती समझ पाई है ये ही बहुत है। इसके बाद से टूनी फिर से स्कूल जाने लगती है। टूनी को और कभी भी कोई नीचा नहीं दिखता था। मीठी भी टूनी की बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है और ऐसे ही वो सब खुशी खुशी दिन बिताने लगे हैं।